गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल काइंडली सब्सक्राइब इट। आपको सारे अपडेट्स यहाँ पे मिलेंगे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यू टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिस्क्राइब एन इम्पॉर्टेंट लेसन यू लर्न। व्हाट लेसन इट इज, व्हेन यू लर्न इट, हाउ यू लर्न इट एंड एक्सप्लेन हाउ इट बिकेम इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो आपने कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट लेसन के बारे में बताना है जो आपने लर्न किया हो। और ये गाइस टॉपिक बहुत ही न्यू है, मक्कड़ की लिस्ट में नहीं है। और मैं आपको रिपीटेडली बोल रही हूँ कि मक्कड़ की लिस्ट पे ज़्यादा डिपेंड मत हो, दिस इज़ अ गेस वर्क ओनली। तो आप प्लीज़ अपनी प्रेपरेशन ऐसे करके चलो कि आपको कोई भी टॉपिक आए वहाँ पर कन्फ्यूज़ मत होना, एज़ वो आपसे टॉपिक ऐसे पूछ रहे हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस करें। तो अपनी लाइफ में हमने कुछ ना कुछ लेसन तो सीखे ही होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आइडिया लिया है टू बी ट्रू टू आर सेल्फ, अपने साथ ट्रू रहना। ठीक है, हमने अपनी लाइफ में ये तो चीज़ सीखी होती है कि हमें दूसरों के साथ सच बोलना चाहिए, मगर हमने ये अपनी लाइफ में बहुत ही कम रियलाइज़ करते हैं कि हमें अपने साथ भी ट्रू रहना है। हम बिलीव करते हैं बोस्ट करने में, शो ऑफ करने में। ठीक है, तो ऐसा ही कभी मेरे साथ हुआ जब मैं 12th स्टैंडर्ड में थी। मेरे को एक प्रोजेक्ट दिया गया और वहाँ पे मेरे को था कि मेरे को अपनी जो वीकनेस नहीं शो करनी है, और मैंने बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया। इवन मेरी टीचर ने मेरे को वहाँ पे रियलाइज़ भी करवाया कि ये प्रोजेक्ट बहुत डिफ़िकल्ट है और मैं इसको ऑन टाइम नहीं सबमिट कर पाऊँगी। बट एट दैट टाइम मैं रेडी नहीं थी अपनी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। तो जब मैंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया तो मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा मेरे को ओवर कॉन्फिडेंस था, पर जब जब ये टाइम थोड़ा बीतता रहा तो मेरे को नर्वसनेस होनी शुरू हो गई, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट जो है बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था और इवन वो मिड पे भी नहीं पहुंचा था जो उसकी अकॉर्डिंग जो टाइम होना चाहिए था, जिसके अकॉर्डिंग मेरा काम होना चाहिए था। सो मैंने कुछ एडिशनल टाइम मांगा टीचर से, बट फिर भी मैं अपने प्रोजेक्ट को सबमिट नहीं कर पाई और एंडेड अप विद एम्बैरेसमेंट। मेरे को एम्बैरेसमेंट हुई इन फ्रंट ऑफ माई अदर क्लासमेट। उस टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को अपने साथ भी ट्रू रहना चाहिए, मेरे को अपनी एबिलिटी, मेरे को अपनी स्किल्स का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट वॉज द लेसन जो मैंने अपनी क्लास में सीखा कि मेरे को सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा और टाइम लेना पड़ेगा। कभी भी मेरे को हेस्टी डिसीजन नहीं लेना, चाहे वो बिग है चाहे स्मॉल है। और इवन ये लेसन ने मेरे को ये भी चीज़ सिखाई है कि मेरे को दूसरों के साथ हम्बल भी रहना है। इवन इफ मेरे पास बहुत सारे रीजंस है बोस्ट करने के, मगर फिर भी मेरे को शो ऑफ पे नहीं जाना। आई होप आपको आइडिया क्लियर हो गया हो। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक पर्सनल क्लासेस फ्रॉम मी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर विच इज अवेलेबल ऑन द स्क्रीन। आप कोई भी मॉड्यूल की क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको सारे मॉड्यूल की क्लासेस लेनी है, आई प्रोवाइड दैट वन ऑल्सो विद टिप्स एंड टेक्निक। और अगर आपको सिर्फ राइटिंग टास्क 2 की क्लासेस लेनी है, फॉर दैट यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर एंड आई प्रोवाइड क्लासेस एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ यू कैन स्पीक दिस क्यू कार्ड फॉर 2 मिनट्स। वेल, इन माई लाइफ आई लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम माई फेलियर्स एंड एल्डर्स, बट टूडे आई एम गोइंग टू शेयर अ लेसन दैट आई लर्न विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट ऑलवेज रिमेन्स ट्रू टू आर सेल्फ। एक्चुअली आई न्यू दैट टेलिंग द ट्रूथ टू अदर्स इज वेरी क्रूशियल, बट आई वॉज नॉट फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ बींग ट्रू टू माई सेल्फ अंटिल आई गॉट अ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट इन माई 12th स्टैंडर्ड। I vividly remember I chose a difficult project to boast about. However, before assigning the project, my teacher asked me repeatedly if I would be able to finish on time as it was a very daunting project. But I pretended that I was fully capable of completing my project on time, no matter how difficult it was, even though I knew that the project would pose a major challenge to me. Actually, at that time, I didn't want to show my weakness to others. Besides, I also wanted to get appreciation from my teacher and my classmate. But as the time for submitting the project was approaching, I was becoming nervous because I wasn't going anywhere close to finishing my project. So, I asked for some additional time from my teacher and luckily she agreed.
But I still could not finish the project on time and ended up with embarrassment in front of my other classmates. And at that time, I realized that I could have been true to myself, having some clear idea about my own ability and skills. So, the lesson I learned during that class was that I have to analyze the situation thoroughly by taking time before making any hasty decisions, whether they are big or small. Besides, this particular lesson also taught me to humble in front of others, even if I had enough reasons to boast. I hope aapko idea bahut acche se clear ho gaya. If you have any problem in any module, you can ask me in comment section. I'll try to provide answer as soon as possible. Thank you. Stay tuned.